मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा को लिखी चिट्ठी, अगले तीन दिन में बयान दर्ज कराने को कहा। मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को भेजी चिट्ठी, अभी भारत से बाहर हैं प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा से अब तक मुंबई पुलिस का नहीं हो पाया संपर्क, वकील के जरिए बात करने की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक फोन का जवाब नहीं दे रही प्रीति, पुलिस को दर्ज करना है उनका बयान। प्रीति जिंटा मामले में नया मोड़, प्रीति के वकील का बयान, प्रीति ने नहीं कभी नहीं कहा उनके साथ छेड़छाड़ हुई। प्रीति के वकील हितेश जैन का बयान, पुलिस अगर प्रीति जिंटा को बुलाएगी तो बयान देने जरूर पहुंचेंगी। पुलिस चाहती है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। कंप्लेनेंट को तो कोऑपरेशन देना ही चाहिए ना, अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो ये जाहिर बात है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। प्रीति जिंटा के खिलाफ थाने पहुंचे वाडिया अस्पताल के कर्मचारी, प्रीति पर कानून के दुरुपयोग का आरोप। वाडिया अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रीति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस से कार्रवाई की मांग। सूत्रों के मुताबिक प्रीति मामले में मुंबई पुलिस बीसीसीआई अधिकारियों से भी कर सकती है संपर्क। प्याज की कीमतों में आ सकता है उछाल, नासिक प्याज मंडी के व्यापारी हड़ताल पर गए। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बुलाई अनिश्चितकालीन हड़ताल, हड़ताल के कारण महंगा हो सकता है प्याज। मई में महंगाई दर में भी इजाफा, महंगाई दर 6.01%, अप्रैल में 5.20% थी। बढ़ सकता है रेलवे का किराया, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कई कड़े फैसले लेने के दिए संकेत। इस बात को लेकर है कि क्या बजट में जो है रेलवे किराए बढ़ा दिए जाएंगे, क्या इस तरीके की जरूरत पड़ेगी इस गवर्नमेंट को टफ डिसीजन लेने की? जैसी जरूरत होगी वैसा किया जाएगा, बजट अभी आया ही नहीं तो कैसे हम बताएं, जब तय करेंगे तो बताएंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने मुंबई में किया एक फ्लाईओवर और लिंक रोड का उद्घाटन, लोगों को मिलेगी राहत। खेरवाड़ी फ्लाईओवर बनने से वर्ली से दहिसर तक वेस्टर्न हाईवे सिग्नल फ्री, घाटकोपर पंजरापोल लिंक रोड से घाटकोपर से साउथ मुंबई का सफर अब आधे घंटे का। मुंबई में चुनाव से पहले एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में खटपट, एनसीपी ने कहा धीमे फैसले लेते हैं मुख्यमंत्री। पार्टी हमेशा से सीएम साहब की निर्णय प्रक्रिया जो है उसको लेके सवाल उठाती रही है। सीएम साहब निर्णय बहुत धीमी गति से लेते हैं, जो निर्णय लेना है वो समय पर नहीं लेते, जिसके कारण जनता का आक्रोश बढ़ता है। एनसीपी कांग्रेस को पहले ही दे चुकी है झटका, इस बार विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों की मांग। एनसीपी की ओर से ज्यादा सीटें मांगने की मांग की बात पर महाराष्ट्र के सीएम ने साधी चुप्पी, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा बात। आज कैंपोकोला सोसाइटी पर नहीं चलेगा बीएमसी का तोड़ा, 20 जून से होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई। कैंपोकोला सोसाइटी के एक निवासी के अंतिम संस्कार की वजह से बीएमसी ने लिया फैसला, लोगों को मिली फौरी राहत।
यासीन भटकल के खिलाफ मकूका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, दादर, ओप्रो और जावेरी बाजार बम ब्लास्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की होगी सीबीआई जांच, दिल्ली में सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गुलविश। प्रीटी जिंटा और नेस वारिया का विवाद गहराता ही जा रहा है। मुंबई पुलिस सीसीटीवी खंगाल चुकी है, चश्मदीदों से पूछताछ पूरी हो गई है। जाहिर है सबूत खंगालते खंगालते मुंबई पुलिस के सामने तमाम नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस इस सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन प्रीति देश से बाहर है, लिहाजा मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर प्रीति को 3 दिन के अंदर हाजिर होने को कह दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से सबूत हैं जो मुंबई पुलिस के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जता रही हो मुझे? जता नहीं रही, अपनी दिल की बात बता रही थी। यहाँ रिश्तों को अलग नजरिए से देखा जाता है। दोस्ती, प्यार, तकरार और फिर कोर्ट कचहरी की दहलीज पर जाने की नौबत। प्रीति और नेशवाडिया की कहानी में रोमांच, ग्लैमर, प्यार, नफरत सब कुछ है। मशहूर अदाकारा प्रीति जिंटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर हैं। प्रीति ने दावा किया कि नेस वाडिया ने सरेआम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, नेस ने गाली गलौज की और हाथ मरोड़ा। वैसे कानून महिलाओं को लेकर बहुत गंभीर और आरोप लगने वाले को अपने निर्दोष होने के सबूत देने होते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए बारीकी से जाँच कर रही है, हर सबूत खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश। पुलिस प्रीति की शिकायत के बाद उस मौके में क्या हुआ ये देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस फुटेज में नेस वाडिया प्रीति से बात करते दिख रहे हैं, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नेस प्रीति का हाथ मरोड़ते हुए नहीं दिखे। सीसीटीवी फुटेज से मुंबई पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वो बात तो कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नहीं हो पा रहा, इसलिए मुंबई पुलिस अब दूसरे सबूतों पर गौर कर रही है। दूसरा सबूत, पुलिस इस बहस के दौरान मौके पर खड़े लोगों की पहचान कर चुकी है, उनसे पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन इन चश्मदीदों से बहुत कुछ नहीं पता चला है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 चश्मदीदों से पुलिस ने बात की, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस की जांच एक बीच मझधार में आकर थम गई है। मुंबई पुलिस अब प्रीति जिंटा से फिर से पूछताछ करना चाहती है, ताकि ये साफ हो पाए कि आखिरकार उस दिन कौन कौन उस बॉक्स में मौजूद था जब ये सारी घटना घटी। वहीं प्रीति जिंटा के अलावा बीसीसीआई के उन अधिकारियों और गरवारे स्टैंड के उस स्टाफ मेंबर से पुलिस पूछताछ करना चाहती है जो 30 मई को उस दिन वहाँ मौजूद थे। तीसरा सबूत, आईपीएल सीईओ सुंदर रमन। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक रमन को पुलिस इस केस में इसलिए गवाह बना सकती है क्योंकि बेंगलोर में टीम के ऑक्शन के दौरान प्रीति ने वाडिया के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। इस पर सुंदर रमन प्रीति पर चिल्ला उठे और तब आईपीएल सीईओ ने हस्तक्षेप किया था। पुलिस आईपीएल सीईओ से पूछताछ कर सकती है। चौथा सबूत, प्रीति का ईमेल। प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी नेस ने उनके साथ खराब व्यवहार किया था। तब प्रीति ने नेस को अपने व्यवहार को सुधारने की बात लिखते हुए एक मेल लिखा था। अब पुलिस को उस मेल की तलाश है। जाहिर है पुलिस इसके लिए एक बार फिर प्रीति से पूछताछ करना चाहती है। दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध में दरार तो बहुत पहले पड़ चुका था, लेकिन कारोबारी रिश्ते अब तक कायम है। पूरे मामले में नेस के करीबियों ने सफाई देते हुए कहा है कि दोनों के बीच ये लड़ाई तब भड़की जब स्टेडियम में सीट को लेकर नोकझोंक हुई। प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ आगे की सीटों पर बैठी हुई थी। नेस वाडिया जब अपने माता पिता और भतीजे के साथ वहां पहुंचे तो उनके बैठने के लिए सीटें नहीं थी, जिसकी शिकायत उन्होंने आईपीएल के आयोजकों से की और फिर दोनों के बीच बहस की बात सामने आई। मुनीश पांडे के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक ब्यूरो। बीच खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने प्रीति को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 3 दिन का समय दिया है। उधर इस मामले में आज एक नया मोड़ आ गया।
प्रीति जिंटा के वकील हितेश जैन का कहना है कि प्रीति ने कभी नहीं कहा कि उनके साथ छेड़खानी हुई। वैसे अब वाड़िया अस्पताल के लोगों ने भी प्रीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये नेस वाड़िया के समर्थक हैं जो प्रीति के खिलाफ एकजुट हुए हैं। नेस के समर्थक लोगों ने प्रीति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस में दी शिकायत में कहा कि इतने साल साथ रहने के बाद भी प्रीति जिंटा छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने प्रीति जिंटा पर छेड़छाड़ की धारा के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हम लोग को ये मालूम कि आज अचानक इन लोग का दोनों में क्या हो गया। अगर आप लोग का बिजनेस में झगड़ा है, अगर आप लोग में आपस में कुछ घर का झगड़ा है, तो झगड़ा आप आपस में बैठ के निपटा लो। कि इसका मतलब ये नहीं कि आज महिलाओं के लिए जो कानून बनाया है वो कानून का मिस यूज करे। हालांकि प्रीति के वकील ने साफ कर दिया है कि छेड़छाड़ का आरोप प्रीति ने कभी नहीं लगाया है। ये मामला अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और धमकी का है। प्रीति जिंटा FIR दर्ज कराने के बाद से ही विदेश में है। मुंबई पुलिस प्रीति से दोबारा पूछताछ करना चाहती है। मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर बोला है कि अगले 3 दिन में प्रीति मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं। ये मियाद अधिकतम 7 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है मुंबई पुलिस सारे सबूतों को खंगालने के बाद प्रीति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। खबर है कि पुलिस प्रीति और नेस के बीच ईमेल में हुई बातचीत को भी देखना चाह रही है, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब प्रीति से मुंबई पुलिस संपर्क साध सके। देखो, अगर पुलिस चाहती है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा जितना भी कॉपरेशन पुलिस को चाहिए आपकी तरफ से मिलेगा? तो कंप्लेनेंट को तो कॉपरेशन देना ही चाहिए ना। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो ये जाहिर बात है कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस बीच मुंबई पुलिस ने BCCI से CCTV के अलावा और किसी सबूत के बाबत जानकारी मांगी है। मुंबई पुलिस केस से जुड़े हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से हर बात की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस चाहती है पक्के सबूत हासिल करने के बाद ही कोई कार्रवाई करे। मुनीश पांडे के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक। मुंबई में कैंपोगोला सोसाइटी को खाली करवाने के लिए भेजे गए नोटिस पर BMC ने कार्रवाई अभी टाल दी है। पहले कार्रवाई कल से शुरू होनी थी, पर अब BMC 20 जून से कैंपोगोला के अवैध फ्लैट को खाली करवाने का काम शुरू करेगी। ये फैसला एक निवासी की मौत के बाद लिया गया। जब से ये पटेला अपार्टमेंट को जो टूटने के आया है ना, उस टाइम से उनकी थोड़ा सा घबराहट आ गया है। घबराहट में ये 4 बजे अटैक हो गया है। कैंपाकोला के पटेल अपार्टमेंट के एक निवासी की घर जाने के सदमे से रविवार की रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मंगलवार को यहां उनका अंतिम संस्कार होना है, इसलिए निवासियों की अपील पर BMC ने फैसला किया है कि बिल्डिंग खाली करवाने का काम 20 जून से शुरू किया जाएगा। हमारे यहाँ मिस्टर कोठारी की डेथ हो गई है, तो उनके लिए उनका फ्यूनरल तो सिर्फ क्रीमेशन सिर्फ कल होगा, क्योंकि उनके बेटे आज रात को ही आएंगे और उनकी जो प्रेयर मीटिंग है थर्सडे को होगी। तो हमने रिक्वेस्ट की थी चिट्ठी में कि आप प्लीज़ थोड़ा ये अपना यहाँ आना डेफर कीजिए। पिछले एक साल में इमारत को तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ 6 मौतें हो चुकी हैं। लोगों की माने तो सभी के पीछे अपना घर छूटने का सदमा था। फिलहाल 2 दिन ही सही, लेकिन इस मोहलत से निवासियों को थोड़ी राहत मिली है। हम चाहते हैं कि जो हमें ये 3 दिन की राहत मिली है वो और सोच विचार करके हमारे लिए कोई सोल्यूशन निकालें। जो हमारा हक है वो हमें दें। हमें पूरी आशा है कि हमें कहीं ना कहीं से वो जरूर हेल्प करेंगे। इन लोगों के मन में हर पल यही आस है कि कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए और इन्हें इनके बसेरे से नहीं उजाड़ा जाए। कैंपाकोला कंपाउंड के दरवाजे के ऊपर लगे ये नारियल देखकर ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों को किसी ने कहा है कि जब तक ये नारियल आपके कंपाउंड के ऊपर रहेंगे तब तक आपकी इमारत को कोई कुछ नहीं कर सकता। इसकी श्रद्धा या अंधश्रद्धा का भाग भी अगर छोड़ दिया जाए तो भी ये पता चलता है कि यहाँ के लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिनसे उनके घर बच जाए। अमृता शेटगे, मुंबई आज तक।